अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं अनानास की घर में उगाने वाली, घर में ग्रो करने वाली वैरायटी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन अनानास कमोसस, मिनीचर पाइनएप्पल, मिनी पाइनएप्पल और ड्वार्फ पाइनएप्पल्स कहा जाता है, छोटी वैरायटी है। घरों में खूबसूरती के तौर पे, ऑर्नामेंटल अपनी लुक के लिए ये हाउस प्लांट के तौर पे ग्रो किए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से मिनीचर गावा और अनार के प्लांट अपने फ्रूट की छोटी छोटी खूबसूरती की वजह से ग्रो किए जाते हैं। इसकी बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। ये वैरायटी ब्राउनिश रेड कलर की है जो मेरे पास है। इसमें ग्रीन कलर में भी आते हैं, वेरीगेटेड भी आते हैं। प्लांट ब्रोमलियार्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आप ब्रोमलियार्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो मौजूद है, आप जाकर इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट्स होते हैं, ड्रॉट कंडीशंस को बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि हम प्लांट्स को इंडोर सक्सेसफुली ग्रो करें और पोर्ट्स में ग्रो करें, तो ये छोटे साइज के पोर्ट्स में ग्रो भी हो जाते हैं और फ्रूटिंग भी करते हैं। इनकी रूट्स बहुत ही कम डिवेलप होती हैं, इसलिए छोटे साइज के पोर्ट्स में आसानी से ग्रो कर जाते हैं। इनके फ्रूट में और इनके लीव्स में इतने खूबसूरत कलर्स आते हैं, रेड, पिंक, ब्राउनिश, जिसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत एक फ्रेश लुक हमारे एनवायरनमेंट में और हमारे रूम में प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमारे रूम में प्योर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं और आलूदा गैसेस को अपने अंदर लेते हैं। लीव्स के कलर शुरू में पिंक, देन रेड, देन ब्राउनिश हो जाते हैं। नीचे से इनके कलर्स फिर थोड़े थोड़े फेड लुक देते हैं। इनके सेंटर में से एक स्ट्रॉक निकलता, एक स्ट्रिक निकलती है, जिस पर फिर ये फ्रूट पैदा होता है। ये तकरीबन प्लांट के लाइफ साइकिल के 2 साल बाद अपेयर होता है। फ्रूट शुरू में ग्रीन, देन पिंक, रेडिश और फिर जब राइपन होता है तो फिर येलविश कलर ले लेता है। फ्रूट के टॉप पर एक क्राउन होता है, इस क्राउन को घुमाकर अलहदा किया जाता है और फ्रूट को भी जब हार्वेस्ट करना होता है तो इसे भी घुमाया जाता है। इसका क्राउन भी एक बेबी प्लांट है जिसे आप फिर एक इंडिविजुअल प्लांट के तौर पर ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर सीड्स भी होते हैं ब्लैक रंग के, इन सीड्स से भी आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आप इसे ब्राइट लाइट प्रोवाइड करें, लेकिन जो गर्म इलाके होते हैं उनकी तपती धूप से इसे बचाना होता है। मई जून की जो शदीद गर्मी होती है उसमें इसे थोड़ा शेडी प्लेस में रखना होता है, तो इस तरह से फिर इसके कलर खेल कर आएंगे। अगर धूप में ज़्यादा तपिश होगी तो फिर इसके कलर फेड हो जाएंगे। वाटरिंग कम करनी होती है, आप जब भी इसमें वाटरिंग करें तो जब सॉइल ड्राई हो जाए तो देन इसमें वाटरिंग करें। इसके लीव पानी को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं, अगर कुछ दिन के लिए वाटरिंग ना भी करें तो ये बर्दाश्त कर लेता है। सॉइल मिक्स में वेल ड्रेन सॉइल को पसंद करता है। केंचुओं की खाद, वर्मी कंपोस्ट इसके लिए बेस्ट है। खाद के तौर पे इसमें लिक्विड खाद का इस्तेमाल करें जो कि पत्तों की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। इसमें कोडंग का इस्तेमाल अच्छा है। खाद के लिए फेब का महीना बेस्ट है क्योंकि इसका फिर आगे ग्रोइंग सीजन होता है, इसने फ्रूटिंग करनी होती है। इसका मदर प्लांट एक बार फ्रूटिंग करने के बाद डाई हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सकर्स देता है, तो इसकी नई ग्रोथ इन सकर्स और बेबी प्लांट से की जाती है। ये अपने ग्रोइंग सीजन में बहुत से बेबी प्लांट्स देता है। इन सकर्स को अलहदा करके हम इसके बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। एक प्लांट ख़रीदें और फिर इसके बहुत से प्लांट्स आप हासिल कर लें। बेबी प्लांट्स से इसके नए प्लांट्स बनाने का अमल बहुत फास्ट होता है और एक बेस्ट तरीका है कि आप इसके सकर्स को अलहदा करके इसके बहुत से प्लांट्स हासिल करें। इसके तने को इसके सॉइल के बॉटम प्लेस से क्लीन रखना है ताकि यहाँ पर वाटर लॉकिंग ना हो। ज़्यादा धूप और ओवर वाटरिंग से इस प्लांट के लीव्स की टिप्स ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं, इस तरह से जलना शुरू हो जाती हैं। इसके लीव्स जब ब्राउन हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो पुराने लीव्स को प्लांट से अलहदा करते रहें ताकि प्लांट की एक फ्रेश लुक आए, इन्हें खुद से ना खींचें। ये कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद प्लांट से अलहदा हो जाते हैं। प्लांट की अच्छी लुक और फ्रेश लुक के लिए आप इसे शुरू में आधा काट सकते हैं। इसका ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो होता है, जो वैरायटी ग्रीन लीव्स में होती है उसकी ग्रोथ थोड़ी फास्ट, इसकी थोड़ी स्लो, और जो वेरीगेटेड वैरायटी है उसकी सबसे स्लो होती है। इसके तने के गिर्द
थोड़ी सी मिट्टी बना कर रखें ताकि इसमें बहुत से सकर्स पैदा हों, लेकिन क्लीननेस का ख्याल रखें कि इसकी कोई इतनी केयर नहीं करनी पड़ती। तो मैंने आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन के साथ करें, ऑल के साथ करें। ये हमारे चैनल की ग्रोथ और हमारी करीज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड।